भिलाई क्षेत्र के आदर्श कॉलोनी में भारी पुलिस बल के साथ आबकारी विभाग ने मारा छापा। भारी मात्रा में कच्ची शराब के साथ सैकड़ों लीटर लहान फेंका और कई भट्टियां भी तोड़ी। दरअसल आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में अवैध शराब के खिलाफ योगी सरकार द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। उसी के चलते जनपद मुरादाबाद जिले के थाना सिविल लाइन इलाके के आदर्श कॉलोनी में आबकारी विभाग ने भारी पुलिस बल के साथ आदर्श कॉलोनी इलाके में घेराबंदी कर अवैध रूप से बनने वाली कच्ची शराब बरामद की और कड़ी कार्यवाही करते हुए अवैध शराब बनाने वाली कई भट्टियां तोड़ भारी मात्रा में लहान बरामद किया। तो वहीं आबकारी विभाग की इस छापामारी के बाद से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। आबकारी विभाग द्वारा बताया गया कि सरकार द्वारा समय समय पर अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाया जाता है, उसी के चलते आज हमारी टीम द्वारा अवैध शराब बनाने वाले कारोबारियों पर कार्यवाही की गई और आगे भी की जाएगी। नहीं मैम, ये पहली बार नहीं है, लगातार आबकारी की और पुलिस की और कभी कभी आबकारी की अकेले तभी सोती रह रही है और प्रभावी नियंत्रण बीच में काफ़ी कंट्रोल भी किया गया था, लेकिन बीच बीच में इन लोग को जैसा भौगोलिक क्षेत्र यहाँ का है कि पतली गलियाँ हैं और ये एक प्रकार की जनजाति है जो विशेष रूप किसी कार में लिप्त है, तो ये करती ही रहती है। इसको पूरी तरह से समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। जो मोजिम गिरफ्तार हो वो भाग ही रहा था, भाग के पीछे छुपा था, तो जाकर वहाँ से हम लोगों को गिरफ्तार करके देखा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। कितना अल्कोहल आपने नष्ट किया? अल्कोहल नहीं, लहन लहन लगभग 1000। बरामद कितना किया है? बरामद 50। कितना अभी पकड़ गए? मौके पर ही कर गिरफ्तार।